ये मेरी बहुए अप्रतिम है, भारती निर्मिति। सुप्रिया भी वैसे थी अच्छी, लेकिन तेरे लिए मैं जो लड़की ढूंढूंगा ना हमारे समाज की, वो उत्तम से भी उत्तम गुणवंती लड़की होगी, देखना तू। सोता वरना शर्मा गया। देखना मेरे अभिषेक की शादी में पूरा वाड़ा गूंजेगा मराठी लगीन गीत से। दर 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 5 6 7 8 अरे ये देखो गुजराती ऋत्विक रोशन और करीना कपूर। अरे ये ए उर्मिला बहन, 10:30 बज गए हैं, संगीत बंद करो बजाना, कितनी बार पड़ेगा तुम लोगों को समझाना। अरे ओ अन्ना भाई, हमारी घड़ी में अभी तक सिर्फ 10:25 ही हुई है। हा? क्यों तुम लोगों की गुजराती घड़ी है हा? तुम्हारे दिमाग के मापिक धीरे धीरे चलती है वो भी। अजो अजो तो हम लोग की इधर से मराठी घड़ी लेके जाओ, साथ में मैं तुमको थोड़ी सद्बुद्धि भी दूंगा उर्मिला बहन। अन्ना भाई बंद कर दिया हमने, और सुनिए कल याद से अच्छे वाले कंफर्टेबल शूज खरीद लेना डांस की प्रैक्टिस के लिए। अरे क्या चप्पल पहन के नृत्य करूंगा तो आपकी गुजराती शान को ठेस भी पहुंचेगी क्या महेंद्र भाऊ? इसमें गुजराती कहां से आया? तो अपने मोटा भाई से बोलिए ना, मोटा भाई आप कंफर्टेबल शूज के साथ डांस करेंगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। हाँ अभी देखना भड़केंगे। एक तो आप एकदम खखड़दज बुढ़े हो गए हैं। अरे बुढ़ा किसको बोलती हो आप? हिम्मत है तो मेरे सामने नृत्य स्पर्धा में उतरो, फिर बताता हूँ। मेरे सामने है ना आप बिल्कुल उनका कचरा हो जाए, ऐसा कुछ बोलो। बरबर आप ऐसा बोलिए कि आप ना वो दिखेगी। हाँ मेरे सामने आप वो दिखेगी, वो आलिया भट्ट आलिया भट्ट दिखेगी। ए थैंक यू अन्ना भाई, आलिया भट्ट तो तबला तोड़ डांसर है। आप बोलिए दीपिका दिखेगी, दीपिका। आप मेरे सामने प्रियंका दिखेगी, प्रियंका। आप मेरे सामने नहीं, ऐश्वर्या राय वहिनी, ये सारी अच्छी डांसर्स है। अग भाई सॉरी आरती, कपा बस अभी उर्मिला बहन आप है ना मेरे सामने। अभिषेक तू सनी देओल आप मेरे सामने नृत्य में सनी देओल दिखेगी। अभी भड़केगी देखना। मस्त बोला। हाय आपने मुझे सनी देओल बोला डांस के मामले में। भड़की। तो फिर आप है ना मेरे सामने गुड नाइट मोटा भाई। ओ मोटा भाई याद से कल कंफर्टेबल जूते खरीद लेना डांस प्रैक्टिस के लिए। अरे जूते के पीछे पड़ गए, उर्मिला पहन का कचरा हो गया, मजा आ गया, बहुत मस्त नींद आएगी। चलो आप ही सो जाओ, कल फिर प्रैक्टिस के लिए जाना है प्राजक्ता बापर। हेलो हाँ कौन? जयंत बोल रहा हूँ। हैं कौन? अनंत, जयंत दबंग। अरे दबंग का फोन आएगा क्या आपको? क्या चुप रहने, तू तो सुना ही नहीं दे रहे। हाँ महेंद्र भाऊ, जयंत बोल रहा हूँ, जयंत, JAYANT, जयंत, JAYANT, मयंक। अरे मयंक, अरे ओ 0 out of 10, JAYANT मयंक होता है, जयंत वो चाइनीज में रोने वाली का हस्बैंड जयंत। हाँ जयंत भाऊ बोलो जोर से बोलना। अरे महेंद्र भाव गुड न्यूज है, पुणे डांस कंपटीशन के लिए 60 से ज्यादा एंट्रीज आ गई है। हाँ ये कंपटीशन तो सुपर हिट होके रहेगा, मां कसम। थैंक यू जयंत भाव। यस
उर्मिला, पुणे डांस कंपटीशन में 60 से ज्यादा एंट्री आ चुकी है। हाय हाय। हेलो, सेम सनी देओल यार। सनी तो मुझे सनी तो मुझे। गायत्री। हेलो, सो गए थे? नहीं नहीं, मैं तो भजन कर रहा था क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी ना गायत्री। अब तुमने मुझे फोन किया तो मेरे फोन की रिंगटोन की लोरी सुनकर मुझे नींद आई। अब मैं सपनों में तुमसे बात कर रहा हूं। आगे चलकर ना अंकल की विरासत तुम ही संभालोगे। तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी सवाल का सीधा जवाब दिया है क्या? दिया है ना, बिल्कुल दिया है। हर एग्जाम में हर सवाल का सही और सीधा जवाब दिया है मैंने। क्योंकि 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 एग्जाम रात को 2 बजे नहीं हुआ करती थी ना गायत्री। मुझे तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी लगा कि कल डांस प्रैक्टिस के लिए गाने फाइनल कर लेना। गायत्री, सच में यही बात थी या फिर मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी? मुझे तुमसे बात करने के लिए ना किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जो फील करती हूँ वो डायरेक्ट बोलती हूँ। अच्छा, तो डायरेक्ट बोल दो कि तुम्हें मैं क्यों बोलूं? जिस तरह मेरी मदद से प्राजक्ता के दिल में तुम्हारे लिए क्या है ये पता करवाना है ना, उसी तरह मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है ये भी किसी और से पता करवा लेना। ओके, नाउ गुड नाइट। क्या है तुम्हारे दिल में, क्या है ये पता करने के लिए मैं लगाऊंगा किसी को काम पे, लेकिन प्राजक्ता के दिल में क्या है मेरे लिए ये तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। ओके, क्योंकि तुम ही तो हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। गेट लॉस्ट, गुड नाइट। एक्चुअली नो, बैड नाइट। कल मैं तुम्हें बोल दूंगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूं डायरेक्ट। जलन तो बहुत हुई है, और भले ही दुनिया बोले कि हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं है, लेकिन मैं तो उसी के मुंह से पहले बुलवाऊंगा कि वो मुझे पसंद करती है, और अगर वो डायरेक्टली मुझे बता देती है तो मुझे भी अन्ना को डायरेक्टली बता देना पड़ेगा कि मेरी पसंद गायत्री है। किशा, क्या हुआ, पाँव में मोच आई क्या? नहीं तो? तो फिर ऐसे उछला क्यों? अरे डांस का स्टेप किया प्रभाकर दादा। ये स्टेप था, मुझे लगा आपका पाँव गया। लेकिन वही नहीं, आपने पाँव का इशारा ऐसे कैसे किया? अरे हम वड़ा पाव खाते ना निर्मिति, तो ये वो पाँव का इशारा था। केशव भाऊजी, मैंने ऐसे थोड़ी सिखाया था, ऐसे तो स्टेज पे जाने से पहले ही आप आउट हो जाओगे। अरे शुभ शुभ बोलिए भाई। नहीं बराबर, ऐसे तो आप स्टेज से उतरने के बाद आउट हो जाएंगे। ये शुभ शुभ था। अरे इसके शुभ शुभ बोलने से क्या होगा, तुम स्टेप करो ना अच्छे से, ऐसे उछल रहे हो जैसे। वो मैं दरअसल निर्मिति पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये मेरे साथ लय नहीं मिला रही थी। अच्छा, मैं नहीं मिला रही थी,
तुमने एक बार भी डांस करते हुए देखा मेरी तरफ कि मैं कैसे कर रही हूँ? तुम तो जमीन पे अपने परछाई के साथ लय मिला रहे थे ना। रानी, वो दरअसल वो क्या है ना, वो जूते ठीक नहीं है इसीलिए। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद को ना आए नाच तो सामने पार्टनर ही एड़ा। तो नाच पार्टनर एक हुए, पायलट गार्डनर एक हुए। वाह, एक मिनट, ओ प्रभाकर दादा, अब ये कहां से आ गया बीच में? हाँ, अन्ना को फोन करो, अभी के अभी अन्ना को फोन करो, बोलो मेरे लिए भी मस्त नए जूते लेके आए। भाई 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 भाई, अन्ना किसी और की दुकान में गए हैं, भगवान बचाए उसको। अरे आइए सर, आइए 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 मैडम। हाँ बताइए सर, क्या दिखाऊं? मेरे लिए एक वड़ा पाव दिखा, सूखी चटनी के साथ, और मेरी पत्नी के लिए एक शेव पूरी, और मेरे बेटे अमोल को कुछ भी खा लेता है उसको कुछ भी दिखा दे जी। अरे जूते चप्पल की दुकान है तो जूते चप्पल लेने ही आए होंगे ना, क्या दिखाओ क्या दिखाओ, क्या पूछ रहा है? अच्छा अच्छा, सॉरी सर, मेरा मतलब था कि किस तरह के जूते चप्पल दिखाओ। मुझे ये अरे ये तुम्हारी पूरी दुकान में हमारे मराठी कोल्हापुरी चप्पल तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। है सर, वो अंदर रखी हुई है। तो अंदर क्यों रखे हैं? वो क्या है ना सर, आजकल लोग कोल्हापुरी चप्पल ज्यादा पसंद नहीं करते। पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम लोग उनका प्रदर्शन नहीं करते। सबसे पहले तो जितने कोल्हापुरी चप्पल है सारे के सारे बाहर निकालो और वहाँ अच्छे से सजा के रखो। जी ये देखिए स्पेशल कोल्हापुरी चप्पल, एकदम नई लेटेस्ट। क्या लेटेस्ट नया, इसका नंबर तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। अरे सर ये है ना डब्बे पे, ये देखिए। अच्छा तो तू एक काम कर, तू डब्बा ही बेच। मैं डब्बा पहन लेता हूँ, ये देख ऐसे डब्बा पहन के चलता हूँ ऐसे ऐसे। डब्बा स्केटिंग, सब काम बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। हाँ अभी सारी बातों पे हाँ बोलेगा बेचारा, बाद में रोएगा। स्ट्रेच योर हैंड्स अभिषेक। मुझे दुकान पे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। या मिलते हैं। मिलते हैं शाम को बालकनी में। छोटी 100% इसने नहीं पूछा होगा उसे, और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्राजक्ता से पूछे कि प्राजक्ता मेरे बारे में क्या फील करती है। लेकिन मैं आज गायत्री से बुलवा के रहूंगा। ये देखिए सर। शाबाश, ये बहुत मस्त दीपक, दीपक नाम बताया ना। हाँ। लेकिन ये इसका गोंडा ढीला क्यों है? सर कोल्हापुरी का ऐसे ही होता है। अच्छा ऐसा होता है क्या? जरा वो वाली चप्पल दिखा। ये देखिए, ये इसका गोंडा तो ढीला नहीं है, है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ। तो फिर सर ये ले लीजिए ना। लेकिन इसकी दो दो पट्टी है, मुझे ऐसी ही नहीं पसंद। सर एक स्पेशल वाली है, वो लेके आता हूँ। लव कार्ड। अन्ना ये देखिए, ये भाई साहब मुझ पे चिल्ला रहे हैं। ये लाल रंगा क्यों चिल्ला रहा है मेरे बेटे पे? इसने मेरे जूते पहन लिए हैं।
अरे ये जूते तुम्हारे कैसे हो गए? हाँ अभी दुकान से बाहर गए नहीं है, तुमने पैसे दिए है क्या? हाँ हाँ बिल बनाया है क्या इन जूतों का? अरे ये मेरे अपने जूते हैं, मैं इसे अपने घर से पहन कर आया था। दूसरे जूते ट्राई करने के लिए मैंने ये जूते साइड में रखे, तो ये भाई साहब ने पहन लिए। क्षमा करना लाल शर्ट। अरे अमोल बड़ा, ये किसी के पहने हुए पुराने जूते क्यों पहने हैं तुझे? हाँ मैं तुझे नए जूते खरीद कर देता हूँ ना। हाँ निकाल दे बड़ा, ये जूते निकाल दे। काट। अरे निकाल दिए दुकान से। अरे पंडित अमोल गोखले, दुकान से निकालने के लिए नहीं बोला था, आपने पैर में से निकालने के लिए बोला था जूते। अभी जा उनके जूते लेके आ, जा बड़ा। रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। अमोल तू जो जोचना गौरी। मैं शांति हूँ, आप अपनी चप्पल देखिए, मैं इसे देखती हूँ। चल तू आज चल। सावकाश सावकाश। ये देखिए सर, सर ये वाली कोल्हापुरी चप्पल देखिए। एक बोलू क्या? हाँ मुझे कोल्हापुरी चप्पल चाहिए ही नहीं, मेरे पास है बहुत है कोल्हापुरी चप्पल मेरे घर पे भी। ओ मैं सिर्फ देख रहा था कि हमारे महाराष्ट्र की शान कोल्हापुरी चप्पल तुम लोग ठीक से रखते हो कि नहीं। तुम मुझे जूते दिखाओ, मुझे जूते चाहिए। जूते किस तरह के जूते बताओ? कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, स्पोर्ट, पार्टी या एक और है लोफर। है? इसे लोफर कहते हैं। ये जूते को लोफर कहते हैं? तो उस जूते को क्या कहते हैं? मवाली। और उस वाले को क्या कहते हैं? गुंडा। हाँ ऐसे गुंडे मवाली बदमाश किस्म के जूते रखते हो आप लोग अपनी दुकान पे। क्या सर आप भी देखो ऐसे लोफर बिफर आवारा ऐसे सब जूते नहीं चाहिए रे बाबा, मुझे अच्छे वाले जूते दिखाना, डांस करने के लिए पहनते हैं ना वैसे। डांस करने के लिए? हाँ लाता हूँ सर। सर ये देखिए। अरे बाप रे ये किसके पैर उठा के लेके आया? मुझे पैर नहीं चाहिए, पैर दिए है भगवान ने मुझे दो दो परमेश्वरा, मुझे पैर में पहनने के लिए जूते चाहिए। सर ये जूते ही है। ये जूते हैं? इतने बड़े इतने लंबे ये जूते हैं? इसमें रहना नहीं है मुझे, ये वन बेडरूम हॉल किचन है, ये दो दो फ्लैट है। अरे इससे अच्छा तो मैं प्लास्टर लगवा लूं पाँव में, ऐसे वाले जूते नहीं चाहिए मुझे, मुझे जूते वाले जूते दिखाना बाबा। मतलब? मतलब ये ऐसे वाले जूते दिखा तू मुझे। हाँ सर तो ये रख लो ना। ये? अरे ये कैसे ले लूं, इसमें दोरी कहाँ है? मुझे दोरी वाले चाहिए और डिजाइन थोड़ा अलग होना चाहिए, एड़ी छोटी होनी चाहिए, बाकी सेम ऐसे वाले जूते दिखा। चल केशव हाथ धो ले, खाना नहीं खाना है? नहीं नहीं प्रभाकर दादा, ये गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स में इतनी भीड़ देख के ना मेरा पेट अपने आप ही भर गया। अच्छा अरे प्रभाकर दादा आप अपनी दुकान के कूपन पे गाने लिखते हैं ना? आप अपनी बिल बुक पे भी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द उस पे हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? गाने के लिए बोल भी मैं आपको देता हूं, सुनिएगा। पड़ोसी के सांपों को पिलाया दूध और उसने हमें जोर से काटा। वाह सुनिएगा। पड़ोसी के सांपों को पिलाया दूध और उसने हमें जोर से काटा, अरे हम तो मिलाने चले थे उनसे हाथ, लेकिन उन्होंने हाथों से मारा चाटा। केशव कलाकार है तू, तो मेरे साथ हाथ मिला। क्या हाथ मिला प्रभाकर दादा, कलाकार तो वो महेंद्र भाऊ निकले, गुजराती मराठी भाई भाई, गुजराती मराठी भाई भाई, ऐसा बोल बोल के वो आदमी हमें निहत्ता कर रहा था। जरा सोचिए सोचिए, हमारे दामाद जयंत की हेल्प लेके वो महेंद्र भाऊ ने क्या करेक्ट टाइम पे वार किया है। हमने तो हमारी दुकान 1 बजे बंद कर दी, बरोबर। लेकिन वहां भीड़ देखिए देखिए,
एक से चार अपनी दुकान चालू रख के महेंद्र भाऊ क्या मस्त माल बटोर रहे हैं। देखिए कस्टमर ही कस्टमर नजर आ रहे हैं। देखिए लेकिन वो हमारे रेगुलर ग्राहक नहीं होंगे केशव। अरे तो वो क्यों नहीं है हमारे रेगुलर? क्योंकि हम अतीत में जी रहे हैं प्रभाकर दादा, कड़त ना क्या तुम्हारा? अगले हफ्ते बच्चों को शिमला जाना है, आखिरी तारीख है 50,000 भरने की। कहाँ से लाओगे? बैंक से लोन लोगे? अरे क्यों नहीं, मेरी भारती का चचेरा भाई विक्रम रक्षा बचत सहकारी बैंक में है। क्या ब्रांच मैनेजर? अरे नहीं नहीं, वॉचमैन है, सबको सलाम ठोकता है, वो भी राइट हैंड से। और हम भीख मांगेंगे वो भी राइट हैंड से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। साला सोडा, खाना खा लेते, फिर वो डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है, वरना आएंगे बालकृष्ण जैक्सन हमारी छाती पे चढ़ के तांडव करेंगे और बोलेंगे मेरे छोटे भाऊ को मदद नहीं कर रहे हो तुम लोग, हाँ केशव नालायक प्रभाकर वेड़ा। इसको सही मायने में क्या बोलते मालूम है प्रभाकर दादा? क्या? आप बैल मुझे मार। चल खाना खा, चल चला। ठीक है अब आप लोग जा सकते हैं। हाश गए लोई पीने। ये मैं क्या बोलती हूँ गायत्री, ये तेरे डाइट प्रोग्राम एक्सरसाइज के इतने सारे पेशेंट इधर गुड़ाए थे, तो उन लोग को बोलना हमारी दुकान से ऐसा थोड़ा कुछ खरीदने को भी है। नहीं मम्मी, उन्हें डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम करके वजन घटाना है, बढ़ाना नहीं है। और वैसे भी मैं तो उन्हें यहाँ बुलाना भी नहीं चाहती हूँ। ए ना 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 बेन, बुलाती रहना बेन, कम से कम लोगों को देखकर ऐसा तो लगे कि हमारी दुकान में बहुत भीड़ है, प्लीज बुलाती रहना। क्योंकि बाकी तो मम्मी धीरज धीरज हाँ धीरज रखो। ओके ठीक है रखती हूँ धीरज, एक से चार, लेकिन कोई नहीं आएगा। नमकीन दुनिया की रानी।